में ये ठान लिया है कि मैं द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। एक दिन अपने मामा शकुनी को कहते हैं, हे मामा, मुझे द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेना है। तभी मामा शकुनी एक षड्यंत्र रचते हैं, चौसर का खेल का आयोजन करते हैं, जिसमें कौरवों को आमंत्रित करते हैं। आज देखिए और कौरवों के बीच में पासे का खेल होता है, जिसमें पांडव भी आते हैं। भैया साउंड बढ़ा। हेलो, हाल में पांडव को हराना है और हमें जीतना है। क्या कहते हैं हमारे परम सम्मानीय विनोद यादव जी, उप सरपंच साहब धपाड़ा, दिनेश यादव जी धपाड़ा, दोनों महान भाव से निवेदन है यहाँ कर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज देखिए दुर्योधन मामा शकुनी से कहते सोचते हो कि मामा क्या विचार करते हो, आज तो किसी भी हाल में ये खेल हमें ही जीतना है। कि पासे तिवारा पे को पवन यादव जी, राष्ट्रीय यदुवंशम सेना टीम ब्रिग्रेड पवन यादव जी, इनकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और आज आदरणीय मुन्ना भैया विजय जी पोला पत्थर वाले, आपके करकोंडों से 21 रुपए का आशीर्वाद, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एवं आज दुर्योधन मामा शकुनी को कहते हैं, सुना करना कचरा पड़ेगा मेरा बोल लो बोल लो मेरा 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 बोल लो म
आदरणीय बलदेव कबड़े जी सचिव डांडीवाड़ वाले आपके कर कमलों से 101 रुपए की राशि एवं जिला सदस्य आदरणीय श्रीमती सीमा काजते जी आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान, मंडल आपसे आशीर्वाद की कामना चाहती है। और आगे देखिए दुर्योधन मामा सुकुनी से कहते आदरणीय सम्मानी हमारे चाचा जी श्री लखन यादव जी रतनपुर से आए हुए, इनकी ओर से भी 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती, मंडल आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है। अरे खत्म में कहानी आदरणीय अमर लाल कलमे जी भड़कदा वाले आपकी ओर से 300 भड़कदा वाले सरपंच आपकी ओर से 301 रुपए की राशि मंडल को प्रदान है, मंडल आपसे आशीर्वाद की कामना चाहता है। और आज देखिए मामा सपनी दुर्योधन से कहते अरे करके तुझे और भांजे अरे बाजी तुझे मैं जीता हर हाल पाल एवं सुनील यादव जी डांडीवाड़ा आप दोनों की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और अंत में देखिए पांडव सब कुछ अपना हार जाते हैं, आज देखिए स्वयं को भी दांव पर लगा देते हैं
और एक एक करके पांचों पांडव स्वयं को भी हार जाते हैं। अंत में द्रौपदी बचती है, आज द्रौपदी को भी दाव पर लगा दिया जाता है। मामा शकुनी को पासे से बड़ा ही लगाव था, आज चालबाजी करके मामा शकुनी कौरव पांडव से सब कुछ जीत जाते हैं, द्रौपदी को भी जीत लेते हैं। दुर्योधन के अनुसार सुशासन को आदेश दिया जाता है कि जाओ उस पांचाली को सभा के बीच में घसीटता हुआ लाया जाए। आज देखिए दुशासन द्रौपदी को घसीटते हुए सभा के बीच में लाते हैं, क्या हुआ? आज देखिए द्रौपदी देखती कि सभा में तो मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता जो मेरी लाज शर्म को बचा सके। तभी अपने भाई मित्र सखा कन्हैया को याद करती और गुहार लगाती। आज देखिए द्रौपदी क्या कहती है, पारी कर गया पाप की हर सीमा को नीर, कुल मर्यादा की चिता भरी सभा। आज कन्हैया को आवाज लगाती है कि हे मेरे भैया तुम कहाँ हो, अपना वचन निभाओ, इस सभा के बीच में मेरी इलाज लूटी जा रही है। अरे कहाँ छिप गए मेरे प्यारे कन्हैया, इस सभा के बीच में भैया मेरी लाज लुटी जा रही है। अरे अरे यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। और भैया जिन्होंने ढंग से मुझे नहीं देखा आज मेरे पूरे बदन को देखेंगे। पंचायत कछार, इनकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद आया, हार्दिक अभिनंदन।